तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम वेजिटा की डीमन एम्परर के खिलाफ फाइट को देखेंगे और देखेंगे कि आखिर वेजिटा के साथ क्या हुआ था। अल्ट्रा वेजिटा की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि किंग वेजिटा और डीमन किंग के अटैक्स टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसे पास से दो लोग देख रहे होते हैं। दो लोग जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं वो होते हैं वेजिटा और इतिहास का सबसे यंगेस्ट डीमन एम्परर। डीमन एम्परर बोलता है, फादर आप हमारे फैमिली के नाम को कितना ख़राब कर रहे हैं। आप एक मांस की लोथड़े के साथ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि आपको मजा आ रहा हो, ये कितना शर्मनाक है। तभी वेजिटा डीमन एम्परर को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चे, तुम्हें पता है ना कि वो वहाँ पर तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं, तुम्हारे सम्मान के लिए, क्योंकि तुम उनके बेटे हो। और हाँ, ये सोचने की गलती मत करना कि वो कोई आम मांस का लोथड़ा है जैसा कि तुम बोल रहे हो, वो रॉयल किंग है मल्टीवर्स की सबसे ताकतवर वॉरियर रेस की। डीमन एम्परर को वेजिटा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी बेवकूफ़, सबसे ताकतवर वॉरियर रेस, मुझे हंसने पे मजबूर मत करो। अभी तक इस प्लैनेट के सभी लोगों को हमारी स्पीशीज के सबसे कमज़ोर लोगों ने ही बहुत ही आराम से हरा दिया है। मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि तुम सिर्फ मेरे देखने से ही राख में क्यों नहीं बदल गए हो तुम कीड़े। वेजिटा के चेहरे पर एकदम से ही हंसी आ जाती है। वो बोलता है, अच्छा अब मैं समझा, तुम्हें लग रहा है कि हम भी इसी प्लैनेट से हैं। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हैं मेरे नन्हे दोस्त। इस प्लैनेट के लोगों को यार्ड्रेट्स कहा जाता है, वो काफ़ी अच्छे हैं पर वो वॉरियर्स नहीं हैं। और हम क्या हैं, हम हैं सैयंस। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि और मैं हम दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस दिखाऊंगा। एकदम से ही वेजिटा अटैक करने के लिए डीमन एम्परर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाता है और डीमन एम्परर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा का पंच डीमन एम्परर तक बस पहुँच नहीं वाला होता है। तभी हम छोटे डीमन एम्परर के चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे को देख के लग रहा होता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। डीमन एम्परर बोलता है कि यहाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा है। डीमन एम्परर एकदम से अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखों में से एकदम से ही किसी तरीके की एनर्जी निकलती है। हम देखते हैं कि एकदम से ही वेजिटा के हाथ पे एक्सप्लोजन होता है और वेजिटा भी काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं कि इस एक्सप्लोजन से रेड रंग का धुआं निकलता है। वेजिटा के शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है और हम देखते हैं कि डीमन एम्परर बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। शुरुआत में वेजिटा को कुछ समझ नहीं आया होता पर एकदम से ही वेजिटा चिल्लाता है, मेरा मेरा हाथ। हम देखते हैं कि वेजिटा का आधा हाथ तबाह हो चुका होता है और उसके हाथ में से बहुत तेज़ी से खून बह रहा होता है। वेजिटा एकदम से ही थोड़ा सा दूर जाके खड़ा होता है और अपने हाथ में से खून बहने को रोकता है। वेजिटा बोलता है, चलो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि मैं सच में एक डीमन एम्परर से लड़ रहा हूँ। लगता है बिल्कुल लूसिफ की तरह ही तुम्हारे पास भी काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं। सही कहा ना बच्चे, ये सच में कमाल की बात है। ना जाने कितनी सारी बैटल्स में कितनी बारी मैं अपने इस हाथ को पकड़ के खड़ा रहता हूँ। सच में एक इंसान को अपने हाथ को अपनी ज़िंदगी में जितनी बारी पकड़ना चाहिए उससे तो कहीं ज़्यादा। पर मुझे मानना पड़ेगा, वो अटैक वो अलग था, वो एनर्जी, उसने मुझे ऐसे काटा जैसे कि। पर इससे पहले कि वेजिटा अपनी बात को पूरी कर पाए, हम देखते हैं कि डीमन एम्परर एकदम से ही छलांग लगाता है। उसके हाथ अभी भी फोल्ड होते हैं जैसे कि उसे लग रहा हो कि वेजिटा के लिए उसे अपने हाथ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम देखते हैं कि डीमन एम्परर बहुत ही बुरी तरीके से वेजिटा के चेहरे पे एक किक मारता है और वेजिटा एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाता है। वेजिटा के पास इस अटैक से बचने का कोई चांस ही नहीं था। हम देखते हैं कि वेजिटा दर्द से कराहते हुए पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। वेजिटा ज़मीन से घिसटता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और आखिरकार वो ज़मीन पर किसी तरीके से रुकता है। पर जैसे ही वेजिटा अपनी कमर को ज़मीन से उठा रहा होता है, वो एकदम से ही अपनी बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है। वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है और हम देखते हैं कि डीमन एम्परर दूर से ये देख रहा होता है और बोलता है, कितना बेकार है। जैसे ही वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है, वो एकदम से ही शांत हो जाता है। उसका मुंह नीचे की तरफ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में दिख रहा होता है। तभी एकदम से छोटा डीमन एम्परर बोलता है कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, तुम मेरे फादर के मुकाबले बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो। वेजिटा के इतने जल्दी हारने की वजह से हम देखते हैं कि डीमन एम्परर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम मांस के लोथड़े सच में कितने ज़्यादा नाजुक होते हो, तुम सभी चकनाचूर पत्थरों की तरह होते हो, तुम्हें उठने की ज़रूरत क्या है और दर्द झेलने की क्या ज़रूरत है, तुम अब वैसे भी सिर्फ एक हाथ के साथ क्या कर पाओगी,
मिस्टर वॉरियर रेस, मरने का नाटक करके मेरी दिक्कत थोड़ी बहुत कम क्यों नहीं करते हो? तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, इसे मेरे लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेजिटा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने सर को नीचे ही रखता है और हंसता है और बोलता है, कमज़ोर? मुझे उस बारे में पूरी तरीके से विश्वास नहीं है बच्चे। सच्चाई तो ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो सिर्फ और ज़्यादा ताकतवर ही हुआ हूँ। वेजिटा एकदम से अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक पागलपन वाली हंसी होती है और इस वक्त वो अपनी अल्ट्रा ईगो वाली फॉर्म में आ गया होता है। वेजिटा का पावर लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। अल्ट्रा ईगो में कोई भी चोट वेजिटा की ताकत को बढ़ाती है और इस वक्त उसका एक हाथ कटा हुआ है, तो उसे किस तरीके का पावर बूस्ट मिला होगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन देख के डीमन एम्परर भी हल्का सा चौंकता है। वो बोलता है, ये क्या, ये वही मॉर्टल है? आखिर इसे क्या हुआ? वेजिटा एकदम से ही अटैक करने के लिए डीमन एम्परर की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल हंसी होती है। वो बोलता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग, मेरे साथ ये हुआ। हम देखते हैं कि वेजिटा बूम मटेरियल का इस्तेमाल भी करता है और उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है, पर डीमन एम्परर के इतने खतरनाक अटैक की वजह से उसे ज़ेन का बूस्ट ज़रूर मिला है और उसके ऊपर वेजिटा अल्ट्रा ईगो में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेजिटा डीमन एम्परर के नज़दीक पहुँच के अपने लेफ्ट हाथ में एक पंच बनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है तो फिर से वो ट्राई करो। वेजिटा एकदम से अपने लेफ्ट हाथ से पंच शूट करता है और हम देखते हैं कि डीमन एम्परर सच में इस बार उसके अटैक को ब्लॉक करता है। डीमन एम्परर काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, कैसे तुम्हारी ताकत एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे हो गई और ये तुम्हारा हाथ कैसे वापस आ गया? किसी और मॉर्टल ने अभी तक ऐसी एबिलिटी नहीं दिखाई है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है, क्योंकि शायद हम मास के लोथड़े उतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं जितना कि तुम हमें समझ रहे थे। वेजिटा एकदम से ही डीमन एम्परर के नज़दीक छलांग लगाता है और हम देखते हैं कि डीमन एम्परर काफ़ी हैरान होता है। एक ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटा डीमन एम्परर के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हालांकि हम देखते हैं कि डीमन एम्परर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी इस अटैक से रिकवर कर लेता है और ख़ुद को हवा में ही संभाल लेता है। तभी हम डीमन एम्परर के चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? डीमन एम्परर वेजिटा को धमकाने के लिए एकदम से अपना मुंह खोलता है, तभी वो रियलाइज़ करता है कि उसके मुंह से कोई लिक्विड बाहर निकल रहा है। डीमन एम्परर एकदम से अपने हाथ से अपने मुंह को छूता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लिक्विड क्या है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो। वो अपने अंगूठे पर देखता है कि एक लाल रंग का लिक्विड है। वो बोलता है, ये मेरा खून है। सही कहा ना, इस मॉडल ने, उसने मेरा यानी कि एक डीमन एम्परर का खून निकाला। डीमन एम्परर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि एक मॉडल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, एक डीमन एम्परर के साथ। डीमन एम्परर के अंदर जल्द ही कुछ टूटने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग और किंग वेजिटा, इन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी होती है और दोनों काफ़ी बराबरी पर लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के बीच में ही डीमन किंग एकदम से रुक जाता है और किंग वेजिटा को इसी वजह से रुकना पड़ता है। डीमन किंग एकदम से ही कांपने लग जाता है। वो बोलता है, तुमने ये क्या किया? तुमने टाइजा का खून निकाला, तुमने एम्परर टाइजा को दर्द महसूस करवाया। किंग वेजिटा एकदम से हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि ये सब कुछ वेजिटा की लड़ाई की वजह से हो रहा है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मेरा बेटा है यानी कि सबसे ताकतवर सैयन। तुम्हारी आँखों में जो ये डर है, कहीं तुमने ये तो सेंस नहीं कर लिया है कि तुम्हारे बेटे का अंत होने वाला है? डीमन किंग के चेहरे पर डर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वो बोलता है, नहीं, मैंने सेंस किया है कि अब हम सब मरने वाले हैं। तभी हम वेजिटा की फाइट पे वापस आते हैं। वेजिटा एकदम से चौंकता है। वो बोलता है कि ये क्या? हम देखते हैं कि डीमन एम्परर चारों तरफ से डार्क एनर्जी से घिरा हुआ होता है। वेजिटा के चेहरे पर भी डर क्लियर होता है। वेजिटा बोलता है कि ये बच्चा आखिर क्या है, आखिर उसके पीछे ये क्या है? वेजिटा एक आम वॉरियर नहीं है, इसलिए वो इस वक्त जो देख रहा है वो सच में कुछ हैरान कर देने वाला है। हम देखते हैं कि एम्परर टाइजा के पीछे एक बहुत ही जायंट वॉरियर होता है, जो कि शायद टाइजा की असली ताकत का रीज़न भी है। ये बीच जो कि अभी तक टाइजा के अंदर सो रहा था, वो आखिरकार जाग चुका है। लूसिफ खुद इस बच्चे को चूज़ करके मॉडल रैल में लेकर आया है और अब उसकी वजह भी हमारे सामने है। टाइजा की आँखें एकदम से ही लाल हो जाती हैं। वो बोलता है कि मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो सैयन, पर तुमने जो मेरा खून निकाला है उसकी कीमत तुम्हें 10 गुना ज़्यादा चुकानी होगी। वेजिटा का शुरुआती शौक आखिरकार ख़त्म हो चुका है। एकदम से ही वो फाइटिंग स्टांस लेता है। वो बोलता है कि आ जाओ बच्चे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सेक्टर 10 के डीमन एम्परर को देखते हैं।
वेजिटो ने डीमन रैल की सेक्टर 9 का पोर्टल खोला था, जिसके बाद उसे अंदर खींच लिया गया। वेजिटो चिल्लाता है, यामोशी। हम देखते हैं कि पोर्टल से यामोशी वेजिटो को देख रहा होता है, और यामोशी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जैसे ही वेजिटो सेक्टर 10 में एंटर करके ज़मीन पर लैंड करता है, हम देखते हैं कि वो हाथ वेजिटो के हाथ को छोड़ देता है, और वेजिटो भी काफ़ी हैरान होता है। वेजिटो का बैलेंस खराब होने की वजह से एकदम से ही वेजिटो ज़मीन पर गिरता है। यामोशी एकदम से ही वेजिटो को बेवकूफ़ बोलता है, और पोर्टल में एंटर करने के लिए एकदम से ही वो छलांग लगाता है और बोलता है कि ये मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा बिना मेरी गाइडेंस के। यामोशी पोर्टल में छलांग लगा देता है और बोलता है कि मैं बस निकल गया। यामोशी इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है। आखिर यामोशी भी सेक्टर 9 में पहुँच चुका है। यामोशी स्माइल के साथ पीछे वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा था कि तुम उसे इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लोगे, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा मॉर्टल। यामोशी वेजिटो की तरफ देख के उससे बात कर रहा होता है, इसीलिए उसका ध्यान नहीं जाता, पर उसकी तरफ कुछ बढ़ रहा होता है, कुछ बहुत ही खतरनाक। उसकी तरफ एकदम से ही एक पर्पल रंग का अटैक आता है और उसकी छाती को चीर देता है। यामोशी को विश्वास नहीं हो रहा होता, वो बोलता है क्या। वेजिटो यामोशी की ये हालत देख नहीं पाता और चिल्लाता है यामोशी, पर वेजिटो के बोलने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यामोशी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया है। उसकी छाती में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है और एकदम से ही वो ज़मीन पर गिरता है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है यामोशी खुद को हील करो, बू की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करो, पर किसी वजह से यामोशी ये बात सुन नहीं रहा होता, वो वैसे ही ज़मीन पर पड़ा रहता है। वेजिटो धीरे धीरे करके उठता है और चिल्लाता है कि वहाँ पर कौन है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक शैडो दिखती है जो कि वेजिटो की तरफ ही पॉइंट कर रही होती है, जिसने ये अटैक शूट किया था। आखिरकार रिवील होता है कि वेजिटो को सेक्टर 9 में किसने खींचा और आखिर यामोशी पे अटैक किसने किया। ये शायद सेक्टर 9 का डीमन एम्परर है, और इसकी अपीयरेंस किसी वजह से परफेक्ट सेल की तरह लग रही होती है। आखिर ये नया वॉरियर कौन है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए अल्ट्रा ईगो वेजिटा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।